अलीगढ़ के कस्बा खैर के एक मोहल्ले में समुदाय विशेष की युवती अलीना खान का कस्बे के ब्लॉक कॉलोनी निवासी सचिन वर्मा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके चलते युवती हिंदू धर्म अपनाने के साथ अपने हिंदू प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन युवती के परिजनों ने उसके साथ मारपीट करते हुए पाबंदियां लगा दी। लेकिन युवती ने हिंदू प्रेमी से शादी करने और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें वह पुलिस और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाती और युवक से शादी करने की मांग करती दिखाई दी। और जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और युवती के घर पहुंची, जहां परिजनों ने युवती की रजामंदी के साथ शादी करने को कह दिया, तो पुलिस ने युवती की सुरक्षा देखते हुए उसको नारी निकेतन भेज दिया। और गुरुवार को यानी आज कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता राजपाल शर्मा के चैम्बर में पहुंचकर युवती ने अपने हिंदू प्रेमी के साथ सभी मान्य प्रपत्र पेश कर गवाहों की मौजूदगी में शादी कर ली। वही युवती व हिंदू युवक की कलेक्ट्रेट में कराई गई शादी में करनी सेना व युवक के परिवार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे, लेकिन अधिवक्ता के चैम्बर में शादी के दौरान युवती का कोई परिजन नहीं पहुंचा। वही युवती ने हिंदू धर्म अपनाने के साथ अपना नाम शिवांगी वर्मा रखा है। और शादी होने के बाद युवक युवती ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दोनों प्रेमी जोड़ा शादी करने के बाद काफी खुश नजर आए। वही युवती ने अब भी अपने परिवार का खतरा बताते हुए पुलिस से मदद मांगी है। पहले क्या नाम था आपका, अब क्या नाम है, क्या घटना हुई है पूरी बात? मेरा पहले नाम मरीना खान था, अब मेरा नाम शिवांगी वर्मा है। शिवांगी, क्या हुआ है आज, किस तरह शादी की है, क्या पूरी बात बताइए। मुझे शादी हिंदू धर्म में करनी थी, मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने वीडियो वायरल किया अपनी सुरक्षा के लिए। जब जाके मुझे पुलिस से सुरक्षा मिली, फिर मैं वहाँ पे चली गई, मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था कि वीडियो हटाओ, बट मैंने वीडियो नहीं हटाई। बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था कि बार बार मारने की धमकी दी जा रही थी, मैं जब भी मैंने वीडियो नहीं हटाई। अब आपने धर्म परिवर्तन किया? जी बिल्कुल। किससे शादी की है? अपने शौर्य वर्मा से। पहले क्या नाम था आपका? अलीना खान। अब क्या है? शिवांगी वर्मा। शादी हो गई? जी बिल्कुल। सनातन धर्म में आई है? जी बिल्कुल। कैसा महसूस? बहुत जी। क्या कहेंगे, आने आने वाले समय में भी आपके जीवन में कोई कोई चुनौती रहेगी? जी। परिवार आज मौजूद भी नहीं था, शादी हुई आपकी, परिवार को होना चाहिए, परिवार की सहमति होती, तो इस चुनौती को किस तरह देखती हैं और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? नहीं, घर वाले एग्री नहीं करते, वो पीठ पीछे से वार करते। मेरे सामने बोल रहे थे कि हम एग्री हैं, कोर्ट में हम कराएंगे, लेकिन नहीं, हर जगह ताले लगाए जा रहे थे ताकि मैं निकलूं नहीं। आप पीछे से वार करने की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अब भी करेंगे। योगी जी से किस तरह की उम्मीद है? मुझे आगे भी अपनी सेफ्टी चाहिए कि मैं जी और मेरे पति को, मेरे ससुराल वालों, किसी को भी कुछ हो, उसकी जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। नासिर खान का बेटा शेबी खान होगा, क्योंकि उसने भी अपनी बहन को जलाया था, वो खुद कह रहा था मैं जलवाऊंगा। मेरे सगे भाई से बोल रहा था इसके साथ ये कर, इसको जला जान से मार। मंत्री योगी लगातार महिलाओं की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, आपने जब ये बात कही तो आप क्या मांग करती है मुख्यमंत्री से कि आपको किस तरह सुरक्षा दी जाए, क्योंकि आपने सनातन धर्म भी किया है इस समय, तो मतलब क्या मांग करेंगी, क्या कहेंगी? यही कहूंगी कि मेरे साथ जो भी होता है उनके स्वयं जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, हम अपनी मर्जी से अलग नहीं होंगे, अगर हम पे कुछ भी रहे, मैं पूरा खानदान टोटका कराता है। अगर अब किससे जान का खतरा है आप लोगों को? मुझे अब भी अपनी फैमिली से है, अपने जी 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 बिल्कुल जी। क्या कहेंगे इसको लेके, सुरक्षा चाहिए आपको? जी बिल्कुल चाहिए। शेबी खान और नासिर खान ये दोनों वकील है, कुछ भी कर सकते हैं, पीठ पीछे से वार करेंगे, आगे से वार नहीं करेंगे ये लोग। क्या मानती हैं अभी भी आपके पति या आपके ससुराल जी खतरा बना हुआ? जी बिल्कुल जी, अब भी खतरा है मेरे ससुराल वालों को, मेरे पति को, मुझे, और मेरे पापा भी ये काम करवाएंगे, जलालुद्दीन खान, उनसे ही मुझे अपनी जान का खतरा है। सचिन वर्मा, शौर वर्मा। अच्छा तो बताइए, किस तरह आज आपने शादी की, क्या घटनाक्रम रहा, क्या मामला रहा? चार दिन से परेशान थे इनके घर वालों से, अब जाके शादी हुई है, अब खुशी मिली है, तसल्ली हुई है हम लोगों को। इनके घर वाले एग्री थे, ये मोमडन थे, इसलिए इनके घर वाले एग्री नहीं हुए, इसके लिए मोमडन थे वो लोग, इनको मारने की धमकी दी जा रही थी बार बार, इसलिए दुखे हुए डोले थे, इनको पुलिस ने पकड़ रखा था, फिर इनसे जवाब लिए गए, मैं बाहर था, इनसे पूछिए बताओ क्या हुआ, आज क्या हुआ? आज कोर्ट में ये शादी हुई हमारी जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है जी जी। शिवांगी वर्मा, अलीना खान जी।
सर आज आपने शादी कराई, क्या मामला था पूरा? देखिए ये अभी 3 दिन पहले ये अलीना खान नाम की एक लड़की थी, इसने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। ये सौर नामक लड़के हिंदू लड़के से प्यार करती थी, ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़की जी के परिजन चूंकि मुस्लिम थे तो वो शादी का विरोध कर रहे थे और लगातार लड़की को डराया धमकाया जा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था। जब ये वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस ने संज्ञान लिया और तो उसके बाद इस लड़की को सुरक्षा प्रदान की गई और वहाँ से लाकर नारी निकेतन भेज दिया गया और लड़के को भी अपने घर छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि लड़की की जान को भी खतरा था। फिर ये लोगों ने हमसे संपर्क किया, अखिल भारतीय कर्णी सेना के पदाधिकारियों से संपर्क किया, हम सब लोगों ने मिलकर पुलिस से मिलकर प्रशासन से मिलकर इनके पक्ष में कार्रवाई कराई और आज इनके यहाँ शादी की कार्रवाई को पूरी कराया। अच्छा क्या मानते हैं जिस तरह से लड़की के द्वारा अभी भी कहा गया है कि उसके जीवन में जो है अभी भी चुनौतियां कम नहीं है, परवाही करने जी बिल्कुल कहीं कहीं वो कोई कोई घटना कराएंगे बराबर करेंगे जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या मानते हैं, क्या कहेंगे सरकार से? क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से और प्रशासनिक अधिकारियों से सबसे ये अपील करूंगा कि इस बच्ची को और इसके ससुराल वालों को, इसके पति को, सबको सुरक्षा प्रदान की जाए और इनकी एक छोटी सी भी सूचना अगर पुलिस को या प्रशासन को किसी भी रूप में मिलती है तो इनको तुरंत प्रशासन को हरकत में आकर और इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बालिग है, अपनी स्वेच्छा से इन्होंने शादी की है, स्वेच्छा से लड़की अलीना खान से शिवांगी वर्मा बनी है, उसने सनातन धर्म अपनाया है। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि जो है इस लड़की के प्रति या इस तरह की और भी जो केस होते हैं लड़कियों का, मान लीजिए घर वापसी करना चाहती है लड़की, प्यार है, प्यार कोई मजहब नहीं देखता है, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्यार करती है उसमें कोई गुनाह नहीं है, दोनों बालिग हैं, अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो प्रशासन को भी इन सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए ET News India, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।